गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी डिग्री कर आए थे जलंधर में, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं घूमने के लिए अमृतसर। वहाँ जाएंगे फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का माहौल। ये बच्चे सब तैयार हो रहे हैं इधर। ये केवी, ये देखिए केवी की मस्त केवी मस्त मस्त बच्चा केवी। ये ध्रुव इधर, ये आगे नंदु नंदु दिखा। तो ये है आर्मी के क्वार्टर, फ्लैट है पूरे। कितने फिफ्थ फ्लोर तक है ये? सिक्स फ्लोर तक है ये। ये पूरा मिलिट्री एरिया है, पूरा मिलिट्री एरिया। बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ का माहौल, बहुत अच्छा है। इधर दिखाओ, उधर सारे में ये पूरी सोसाइटी है, पूरी बहुत अच्छी। तो हम पहुँच गया अमृतसर गोल्डन टेंपल। बहुत ज़्यादा रश है, संडे है ना। अब कहाँ ये गोल्डन टेम्पल आ रहा है अंदर लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा रश है, गोल्डन टेम्पल आया है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम मैं सेकंड टाइम आया हूँ। मतलब आया बहुत टाइम बाद हूँ और अच्छा लग रहा है। अब देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, इधर दिखा। तो गाइस हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग। पहले यहाँ जाएंगे, फिर गोल्डन टेंपल जाएंगे और फिर वाल्मीकि तीर्थ जाएंगे। और ये जलियांवाला बाग सामने दिखाओ सामने। तो ये है जलियांवाला बाग, फर्स्ट टाइम आया है। तो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उसके बारे में तो सबको ही पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो यहाँ पे भगदड़ मची थी, गोलियाँ चली थी, सैंडर्स ने चलाई थी। अभी आगे चल के देखते हैं। तो भाई ये आगे हम जलियांवाला बाग, ये पंजाब पुलिस बैठी है यहाँ पे। मतलब अलग ही फीलिंग है यहाँ की। जलियांवाला बाग, यहाँ पे गोलियाँ चली थी। ये म्यूजियम है जलियांवाला बाग का, अंदर बहुत ज़्यादा रश है। अभी देखेंगे, पूछेंगे चाचू से, फोटो शूट हो रहा है यहाँ पे इधर। तो ये दिखा रही हैं जलियांवाला बाग में जो गोलियाँ चली थी। सब लोग म्यूजियम में फोटो शूट करा रहे हैं अपना अपना। हमने भी फोटो शूट किया, सब टूरिस्ट यहाँ पे फोटो शूट करा रहे हैं। सब यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा रश है। आज संडे है तो उसके दिन ज़्यादा ही है। ये देखो पानी कैसे चल रहा है, पर बाहर ही नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर कैसा सिस्टम कर रखा है। फायर की गोलियों ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद ना किया, जिसने गोलियां चलाई थी। तो ये है वो कुआं जिसमें लोगों ने गोलियों से बचने के लिए छलांग लगाई थी, पर फिर वो भी नहीं बच पाए, वो एक के ऊपर एक दबके उनकी डेथ होगी। तो ये गोलियों के निशान हैं जो सैंडर्स ने
चलाई थी गोलियाँ, मतलब यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग थे, किसी को भी नहीं मतलब देखा, और ये गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी, तो ये वही गोलियों के निशान हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम का होगा, जब ये 1947 से पहले का है, ये 1947 से पहले का। चलो भाई चलो। एंट्री कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल में, आ रहे हैं गोल्डन टेम्पल, बहुत ज्यादा भीड़ है। मार्केट अमृतसर की है ये, गोल्डन टेम्पल जा रहे हैं तो यहाँ देखिए ब्लड डोनेट सेवा लग रही है, कोई भी यात्री अपना ब्लड डोनेट करवा सकता है, यात्री लोग अपना ब्लड डोनेट करा रहे हैं। पानी की सेवा लगा रहे हैं सेवादार, पानी की सेवा यात्रियों को। छोटा बच्चा सेवा लगा रहा है सेवादार। स्लिप हो रही है ये, ध्यान से आओ। हम आ गए गोल्डन टेम्पल अमृतसर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार आई हूँ और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब आए, मैं नहीं आई थी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये भी आया पहले। केवी पानी में नहीं जाना। ये है सरोवर, नहीं जवान होता ही गोल्डन टेम्पल का सरोवर। गोल्डन है ये पूरा, ये सोने का बना हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ पहली बार, और बहुत ज्यादा सुंदर है ये, बहुत ज्यादा। हेलो करो फिश, केवी की इतनी बड़ी फिश आई। केवी केवी फिश फ्रेंड्स। और अब हम उठ गए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं, और कल रात हम लेट आए थे घूमने, हम गए थे अमृतसर, वहाँ हम जलियांवाला बाग और गोल्डन टेम्पल और ये बाघा बॉर्डर, तो हम बाघा बॉर्डर गए थे। वहाँ पर इतने लोग थे ना, इतनी मतलब पब्लिक थी वहाँ, और इतना दिल लग रहा था ना, सब लोग चेयर अप कर रहे थे, मतलब जो वहाँ पर फौजी होते हैं इंडिया है, बहुत ज़्यादा वंदे मातरम जय हो, मतलब इस तरह का बोल रहे थे, बहुत दिल लग रहा था। और ये पूरा व्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना, तो हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट में थोड़ा। तो बहुत दिल लग रहा था, वहाँ दीदी भी गए थे, कैसा लगा था दीदी? बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी दीदी भी हम पहली बार गए थे वहाँ, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और इनके हस्बैंड खुद एक आर्मी में है, फौजी हैं, और हम अभी इनके घर आए हुए हैं, इनके जलंधर में क्वार्टर है फौजियों के, वहीं रह रहे हैं अभी।
और बहुत दिल लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा है यहाँ, और बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है, मतलब गर्मी का पता नहीं चल रहा है, ठंडा मौसम है। और दीदी का भी दिल लग रहा था, बस बच्चों ने करा थोड़ा परेशान बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे छोटे हैं ना, उन्होंने करा, पर केवी ने बिल्कुल नहीं तंग करा। मैं तो केवी का था खतरा करेगा, पर केवी तो बड़ा बच्चा बन गया। तो हमारा ये वीडियो छोटे छोटे पार्ट में आएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना वीडियो, तो प्लीज़ देखना। और हाँ, तो वीडियो को देखना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में आएगा, तो आप जरूर देखना।